नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे एलाइड सर्विसेज 2015 प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। पार्ट वन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज की वीडियो में हम पार्ट टू डिस्कस करेंगे। पार्ट वन में हमने डिस्कस किए थे 30 क्वेश्चन। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन को जरूर देखें। तो चलिए डिस्कस करते हैं पार्ट टू। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा अराउंड 1615। 1615 ईस्वी के आसपास कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बस चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, थॉमस कॉरियार्ड। थॉमस कॉरियार्ड जो थे वो 1615 ईस्वी में कांगड़ा आए थे। और मूरक्राफ्ट कब कांगड़ा आए थे? तो मूरक्राफ्ट कांगड़ा आए थे 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच राजा ऑफ कुमारसेन ऑक्युपाइड द फोर्ट ऑफ संगरी एंड डिफीटेड द राजा ऑफ कुल्लू एट करांगला एंड नागी। कुमारसेन के किस राजा ने सांगरी किले पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को कांगला और नागी में हराया? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अजमेर सिंह। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच राजा ऑफ बिलासपुर प्रिंसली स्टेट मेड द रेवेन्यू डिमांड पेएबल पार्शली इन कैश एंड पार्शली इन काइंड। बिलासपुर के किस राजा ने भूमि कर का कुछ भाग नकदी में और कुछ उपज के रूप में लेना शुरू किया? क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर है ऑप्शन डी, हीरा चंद। बिलासपुर के राजा हीरा चंद ने कर का कुछ भाग नकदी के रूप में और कुछ भाग उपज के रूप में लेना शुरू किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप रट लें, इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच राजा ऑफ बंगाल वॉज ट्रेजिशियली मर्डर्ड बाय सिद्ध सेन राजा ऑफ मंडी। बंगाल के किस राजा की मंडी के राजा सिद्ध सेन ने धोखे से हत्या की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पृथ्वीपाल। पृथ्वीपाल की हत्या कर दी गई थी धोखे से मंडी के राजा सिद्ध सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विद विच रीजन हिमाचल प्रदेश इज बुर्रा एंड सी बैलेट एसोसिएटेड। बुर्रा और सी बैलेट किस क्षेत्र से संबंधित है? आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन ए, रोहडू और जुब्बल। रोहडू और जुब्बल से बुढ़ा और सिंह नृत्य नाट्य जो है वो संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अ किला लोहगढ़। लोहगढ़ किला किस जिले में स्थित है? आपको चार ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पौंटा। पौंटा में स्थित है लोहगढ़ किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, नियर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इन चिन्मया सिंधपानी हिमालयन आश्रम। चिन्मया सिंधपानी हिमालयन आश्रम कांगड़ा जिले में निम्नलिखित किसके नजदीक स्थित है? अब बस चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन बी, योल। योल के समीप स्थित है चिन्मया सिंधपानी हिमालयन आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, हु कंपोज्ड द इंस्पिरेशनल सॉन्ग ऑफ आजाद हिंद फौज कदम कदम बढ़ाए जा। आजाद हिंद फौज के प्रेरणात्मक गीत कदम कदम बढ़ाए जा के रचयिता कौन थे? आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन सी, राम सिंह ठाकुर। राम सिंह ठाकुर जो थे वो कदम कदम बढ़ाए जा गीत के कंपोजर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द ऑथर ऑफ हिमालयन द अवार्ड ऑफ लाइट। हिमालयन द अवार्ड ऑफ लाइट के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन बी, निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक ने लिखी थी हिमालयन द अवार्ड ऑफ लाइट किताब। क्वेश्चन नंबर 4, हुज ऑटोग्राफ बायोग्राफी इज टाइटल लुकिंग बैक। किसकी ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है लुकिंग बैक? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है ऑप्शन सी, मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन की ऑटोबायोग्राफी का नाम है लुकिंग बैक। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज त्रियुंड। त्रियुंड जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? त्रियुंड डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्थित है, धर्मशाला से नजदीक है त्रियुंड। ये एक ट्रैक है, तो इसका याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऑन विच रिवर इज ए सिसु हाइडल प्रोजेक्ट। सिसु हाइडल प्रोजेक्ट कौन सी नदी के ऊपर ये बना हुआ है? सिसु हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो बना है चेनाब नदी के ऊपर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हेन वाज स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड सेट अप इन हिमाचल प्रदेश। अपंगों हेतु विशेष रोजगार कार्यालय हिमाचल प्रदेश में कब स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1976 में अपंगों के लिए अलग से कार्यालय स्थापित किया गया था हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गॉट मैक्सिमम रेन इन 2014 ड्यूरिंग द
पोस्ट मॉनसून सीजन। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2014 में मानसून बाद के 17 में अक्टूबर से दिसंबर सबसे अधिक वर्षा हुई? तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन सी सोलन। सोलन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, वेयर इज एरो स्पोर्ट्स हॉस्टल इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का छात्रावास कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी बीड बिलिंग सही आंसर है। बीड बिलिंग में स्थित है हवाई खेलों का छात्रावास। क्वेश्चन नंबर 46 है, वेयर इज द सपनी फोर्ट इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट सिचुएटेड? सपनी किला किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर स्थित है? आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, सांगला वैली और कल्पा के समीप स्थित है सपनी किला। याद रखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच राजा ऑफ सिरमौर बिल्ड नाहन कोठी इन पंचकुला? सिरमौर के किस राजा ने नाहन कोठी पंचकुला में बनवाई थी? आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन बी फतेह प्रकाश। सिरमौर के राजा फतेह प्रकाश के द्वारा नाहन कोठी पंचकुला के समीप बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच सब डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश विटनेस्ड हाई इंसिडेंट ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी ड्यूरिंग 2014 एंड 15? हिमाचल प्रदेश के किस उपमंडल में 2014-15 में हेपेटाइटिस बी और सी के बहुत अधिक केस पाए गए थे? आपके पास चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है ऑप्शन बी स्पीति इन लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के स्पीति में सबसे अधिक केस पाए गए थे हेपेटाइटिस बी और सी के 2014 और 15 में। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड विल द 2015 ऑल इंडिया हॉट वीदर फुटबॉल टूर्नामेंट बी प्लेड? 2015 में होने वाला ऑल इंडिया हॉट वीदर फुटबॉल टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किस मैदान में खेला जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी पड्डल इन मंडी, मंडी के पड्डल ग्राउंड में खेला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट यूथ कांग्रेस? हिमाचल प्रदेश स्टेट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन बी विक्रमादित्य सिंह, इसका सही आंसर होगा विक्रमादित्य सिंह। क्वेश्चन नंबर 50 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मेनी टर्बाइंस आर देयर इन 800 मेगावाट कोल डैम प्रोजेक्ट? 800 मेगावाट कोल डैम प्रोजेक्ट में कितने टर्बाइन स्थित हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। 800 मेगावाट का जो कोल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके चार टर्बाइन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, इन विच ईयर वॉज द शिमला म्यूनिसिपल कमेटी रिप्लेस्ड बाय शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन? शिमला किस वर्ष शिमला म्यूनिसिपल कमेटी का स्थान शिमला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने लिया था? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप रट लें। तो क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर होगा 1978, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वाज द टाउन हॉल बिल्डिंग द नर्व सेंटर ऑफ शिमला कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन एंड टिम्बर? शिमला की नर्व सेंटर टाउन हॉल इमारत का निर्माण पत्थर और लकड़ी से कब हुआ? चार ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1908। टाउन हॉल बिल्डिंग का निर्माण हुआ था 1908 में। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन विच बिल्डिंग वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड मिसिस इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो इन 1972? 1972 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने किस इमारत में शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बार्न्सकोट। बार्न्सकोट में हस्ताक्षर किए गए थे श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1972 में शिमला समझौते पर। क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकंड हेरिटेज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से दूसरी हेरिटेज साइट कौन सी है? चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश की सेकंड हेरिटेज बिल्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हेन वाज शिमला ऑफिशियली डिक्लेयर द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? शिमला को किस वर्ष सरकारी तौर पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था? आपको चार ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1864। 1864 में शिमला को सरकारी तौर पर भारत की राजधानी घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है, फॉर विच ब्लॉक इन हिमाचल प्रदेश हैज नाबार्ड सैंक्शनड फंड अंडर ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम? हिमाचल प्रदेश में किस खंड को नाबार्ड द्वारा जनजाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि मंजूर की गई है?
क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अम्ब ऊना। ऊना में अम्ब को जो है नवाड के द्वारा फंड जो है सैंक्शन किया गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, एट विच बस स्टैंड हैज HRTC ओपन्ड अपना स्टोर माल। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन कॉरपोरेशन द्वारा किस बस अड्डे पर अपना स्टोर माल खोला गया। क्वेश्चन नंबर 58 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पालमपुर। पालमपुर में खोला गया है HRTC के द्वारा अपना स्टोर मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट वाज द एनुअल ग्रोथ रेट इन द प्राइमरी सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग 2013-14। 2013-14 में प्राथमिक क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर क्या था हिमाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 15.3%। 15.3% जो था हिमाचल प्रदेश का 2013 और 14 में प्राथमिक क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर था। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कैटेगरी ऑफ बैंक्स हैज इश्यूड द हाईएस्ट नंबर ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड इन हिमाचल प्रदेश अप टू सितंबर 2014। सितंबर 2014 तक बैंकों के किस वर्ग ने हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के द्वारा जो है सबसे अधिक किसान क्रेडिट कार्ड इशू किए गए हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये था 2015 का एलाइड सर्विसेज का पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को आप ढंग से देख लें क्योंकि ये इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।